सोलन में एक दिन बारिश क्या हुई, शहर के विभिन्न वार्डो में कई घंटों के लिए बिजली गुल हो गई, जिसके चलते सोलन शहरवासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। व्यापार के साथ साथ कई कार्यालयों का कार्य भी प्रभावित नजर आया। बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिजली बोर्ड के अधिकारियों के हाथ पैर फूले नजर आए। अधिकारियों से जब कट लगने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सोलन के विभिन्न वार्डो में सप्लाई करने वाली मुख्य वायर जल चुकी है, जिसकी मुरम्मत का कार्य चल रहा है। थोड़ी सी बारिश ने बिजली बोर्ड के कलई खोल कर रख दी है कि आने वाले मौसम के लिए वे कितने तैयार हैं। रोष प्रकट करते हुए सोलन वासियों ने कहा कि अभी तो शरद ऋतु पूर्ण रूप से आई भी नहीं है, इस सीजन की पहली बारिश पर भी विभाग ने कट लगा दिया है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में शहर वासियों को काफी अघोषित कटों का सामना करना पड़ेगा। हद तो ये है कि दीपों के त्योहार दीपावली पर भी सोलन वासियों को कट झेलना पड़ा। आधे से ज्यादा सोलन अंधेरे में डूबा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग बेसुध नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल विद्युत उत्पादक प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली के कट लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम बिजली बोर्ड के अधिकारियों को चाहिए कि अगर वे कट लगाना भी चाहते हैं तो वे इस तरह से लगाएं ताकि व्यवसाय प्रभावित ना हो। अभी तो सर्दियों का दौर शुरू भी नहीं हुआ है और बिजली विभाग द्वारा जो है अभी पिछले दिन दिवाली के दिन भी इन्होंने जो है एक घंटे का कट लगा दिया और उससे अगले दिन भी एक घंटे का कट लगा रहा। वैसे ही अभी COVID-19 के कारण जो है काफ़ी बिजनेस के कारण हमें जूझना पड़ा है। अब थोड़ा सा कुछ काम की चाल चल रही है तो शाम की जो है इन्होंने मेरे को लगता है डेली की रूटीन बना दी है कि भाई अब ये कट लगाने का, बिना सर्दियों के ही अगर अभी ये हाल है तो सर्दियों में शायद लगता है इस बार हमें बिना बिजली के ही जो है गुजारा करना पड़ेगा। तो इन अधिकारियों से अनुरोध है कि कम से कम जो है इस सर्दियों में जो है लोगों को किसी भी जो है इस दुविधा का सामना ना करना पड़े और सर्दियों में ठिठुरना पड़े, तो बिजली विभाग द्वारा जो है इसको सुचारू रूप से चलाए जाने की आशा करते हैं। जितना भी है प्रोजेक्ट सारा बिजली के थ्रू है, हमारा प्रिंटिंग का काम है, कल भी कुछ सीएमसा वगैरह की उद्घाटन की प्लेटें वगैरह आई हुई थी तो बिजली जाने के कारण जो है अचानक एकदम से कट लग गया और जो एक डेढ़ घंटे हमें उसका नुकसान जो है सहना पड़ा और गाड़ी डिले होने के कारण जो है मुझे अगले दिन वो सप्लाई भेजनी पड़ी। इसमें तो घाटा हो गई है, कोई सुचारू रूप से जब नहीं चलेगी बिना बताए ये जो है बिजली को बंद कर देते हैं या तो कोई टाइमिंग हो। अभी तो सर्दियों का शुरू आगमन भी नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो बिजली विभाग को जो है चाहिए कि इसको जो है या तो कोई अगर इनको दिक्कत है कुछ है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, आफ्टर दैट भी हमारे हिमाचल में बिजली का एक उत्पादन होने के बाद आज हमें जो है उससे जूझना पड़े। सर समस्या यह आ रही है कि जो काम है वो थोड़ा कम हो जाता है, कस्टमर को चॉइस करने में दिक्कत आती है, कोई चीज़ दिखती नहीं है। हाँ ये है कि कट लगाएं जरूर पर लेकिन जो समय है उसका निर्धारित करें और पहले इंटीमेट करा जाए, जिससे कि आदमी अपनी जो उसी तरीके से रूटीन बनाए। जो काम कम हो जाएगा जी जब कस्टमर को कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास अदर पर्पज नहीं है कि लाइट के कोई और सोर्स नहीं है, जैसे इमरजेंसी लाइट नहीं है, जिनके पास जो छोटे दुकानदार हैं उनके पास ऐसा कोई बड़ा सोर्स नहीं होता कि इन्वर्टर लगाया जाए या कुछ और लगाया जाए, तो उनका काम जो है काफ़ी 70-75% पर पड़ जाता है, कस्टमर को दिखता नहीं कितना चॉइस कर सकता है। और ठंड में जो है हमारे यहाँ जैसे हम कभी हीटर लगा लेते हैं या कुछ अपना बोर्ड लगा लेते हैं उनकी दिक्कत आती है, ठंड में डालना पड़ता है। और ठंड में कट कम से कम लगाया जाए, गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि अगर कट लगाते भी हैं तो ऐसे समय लगाएं जिस समय की दुकानदार को कोई दिक्कत ना हो। मौसम खराब तो कल रात को ही हुआ, ये प्रोसेस इन्होंने कम से कम 2-2.5 महीने से चला रखा है, कोई सूचना नहीं है बिजली विभाग द्वारा भी आज कट लगेगा, इनकी मर्जी जैसे है वैसे ही इनका काम चलता रहता है। मैं आपको बताऊं दीपावली के दिन रोशनी का पर्व होता है, रोशनी के पर्व में भी इन्होंने आध पौने घंटे का कट जो है रात को लगा दिया, ना उस दिन कोई मौसम खराब था ना कोई बिजली कट गई थी। इस प्रकार का व्यवहार ये बिजली बोर्ड वाले किस प्रकार से कर रहे हैं ये बड़ा विषय जांच का है और इनको सोचना चाहिए इस विषय में भी, जनता को परेशानी में क्यों जा रहे हैं।
काम धंधे का टाइम है, दिनों में काम धंधे चले जाते हैं, ये अघोषित कट जो लगाना कुछ शुरू कर देते हैं। मुझे नहीं लगता ये किस प्रकार का इनका काम झाम जो है ठीक चला होगा। इन्होंने एक नंबर दे रखा है कंप्लेंट रूम का 2223631। ये नंबर कभी भी आप फोन कर लीजिए, ये बिजी रहता है। और जब इनके मौके पे हम जाते हैं इनको देखने, तो ये मौके पे कोई भी बंदा जो है वहां पर कंप्लेंट रूम में नहीं होता है। उन्होंने रिसीवर को नीचे रखा होता है और जो दूसरे बंदे फोन करते रहे जो मर्जी करते रहे, पब्लिक की तकलीफों से इनका कोई सरोकार नहीं है। ये बिजली विभाग को सोचना चाहिए, आम जनता को परेशान करना बंद करें।